प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्वालियर शहर को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। वो लाल टिपारा स्थित बायो सीएनजी प्लांट का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर में मौजूद रहेंगे। यह प्रदेश की पहली गौशाला होगी जहां गोबर से बायो सीएनजी तैयार की जाएगी। लगभग 7,000 से ज़्यादा गोवंश वाली इस गौशाला में 100 टन गाय के गोबर से प्रतिदिन 2 टन बायो सीएनजी तैयार होगी। इस बायो सीएनजी प्लांट को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीएसआर फंड से 31 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, पीएम मोदी स्वयं इसका लोकार्पण कर रहे हैं। 31 करोड़ का सीएनजी प्लांट है। पीएम राष्ट्र प्रसिद्ध गौशाला का अवलोकन स्वयं करेंगे। इस गौशाला के प्रगति और विकास के लिए कई कार्य किए गए हैं और यह राष्ट्र की पहचान बने, इस विचारधारा के साथ हमने कार्य किया है। हाँ, कल बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री जो है स्वयं इसका लोकार्पण कर रहे हैं। 31 करोड़ का सीएनजी प्लांट है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा, और ये हमारा जो सबसे राष्ट्र प्रसिद्ध हमारा गौशाला है उसका स्वयं अवलोकन प्रधानमंत्री जी करेंगे। मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी है कि मैंने स्वयं इस गौशाला की प्रगति और विकास के लिए कई कार्य किए हैं। 2 करोड़ रुपए से हमने टिन के शेड बनाए हैं। गौ माता के लिए हम लोग ने पानी का स्रोत और चारा का स्रोत भी सुदृढ़ कराया है, और हमारा ये गौशाला राष्ट्र की पहचान बने, इसी विचारधारा के साथ हम लोग ने कार्य किया है। कल प्रधानमंत्री जी स्वयं इसका अवलोकन करेंगे, इस बात की बड़ी खुशी है। स्वच्छता पखवाड़ा भी समाप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता के लिए